नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गांव के गंदे पानी को बहने को लेकर गांव में तनाव। मिर्जापुर जनपद के विकासखंड नारायणपुर के ग्राम सभा भोर मार माफी में गंदे पानी के बहने को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। गांव के किसान दिनेश मिश्रा के चक में गाँव का गंदा पानी जाने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी, जिसको लेकर उन्होंने खेत से सटे चैम्बर को फिलहाल ढक दिया है। इसी विषय को लेकर गाँव में तनाव का माहौल बन गया। प्रधान पुत्र सुभाष गुप्ता का कहना है कि मैं अपने बजट के अनुसार कार्य कर रहा हूं। गांव में नक्शा में पानी बहने हेतु नाली का निर्माण कराया था, जिसे रोक दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने किसी भी प्रकार के अवरोध न होने की मांग की है। उक्त अवसर पर धर्मेंद्र गुप्ता, संदीप सिंह, भानु सैनी, अमरनाथ सिंह, दीपक गुप्ता, पवन सिंह सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद सर। गाँव के लोगों का आरोप है कि नाली रोक दी गई है, क्या कारण है? हमने नाली नहीं रोका है। गांव का गंदा पानी हमारे खेत का नुकसान हो रहा है, खेत में बहा रहे हैं, वहां पर जाकर नाली रोक दिए हैं और गंदा पानी हमारे खेत के बह रहा है, फसल हमारा नुकसान हो रहा है। यानी इस पानी से आपकी फसल की बर्बादी हो रही है, इस कारण आपने अभी फिलहाल में पानी को अवरोध किया है। जी, नक्शे में नाली वगैरह की बात लोग कर रहे थे। हाँ, नाली है और सिंचाई की नाली है जी, ट्यूबवेल की सिंचाई की, मतलब गंदा पानी बहाने के लिए नाली नहीं। आज गांव में तमाम लोग इकट्ठे हैं पानी को लेकर के, समस्या को लेकर के, जैसा कि आज बारिश भी हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? समस्या यह है कि इस गांव में जो नाली बह रहा है वो सरकारी नलकूप हो या नाली हो, लेकिन वो सरकारी जमीन में बह रहा है। इससे जो जिनका खेत है उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से हमारा पूरा गाँव प्रताड़ित है नाली से और परेशान है। हमारा कहना है, चाहे रोड फाड़ के नाली निकालो, चाहे जमीन से निकालो, हमारा नाली निकलना चाहिए। ठीक, जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुभाष गुप्ता, यहाँ ग्राम प्रधान मुन्नी देवी के पुत्र बोल रहे हैं जी। क्या मामला है, आज कितना ये जो भीड़ कितना इकट्ठा हुआ है इस ग्राम सभा भोर माफी में? अपने बजट के हिसाब से हमने जो है काम कर रहा है, पूरे गांव का पानी जो है हमने, और ये आपके ग्राम सभा का नाली से निकालना चाह रहे थे जी। तो बजट जब जितना था मेरे हिसाब से उसका काम किए, अब आगे जो है बजट न होने की वजह से कच्ची नाली से पानी आगे हम ले जा रहे थे, और बस बजट मेरा जैसे आएगा तुरंत काम आगे तक जो है बढ़वा देंगे। तो अवरोध क्या है, समस्या क्या आ रही है, समस्या बताइए। अभी हमारे जो है जहाँ तक हम बनाए हैं उसके बगल के खेतियर हैं जी, और आपके ये दिनेश मिश्रा जी हैं, रत्नेश मिश्रा जी, एक हैं पप्पू गुरु जी, ये तीनों लोग जो है जबरदस्ती इसको पाट दिए हैं चैम्बर को। क्या उनके चक में वो नाली है? नहीं, उनके चक में नाली नहीं है। नाली कहाँ निर्मित है? नाली जो है जहाँ तक अभी निर्माण मेरा हुआ है वहाँ से लगभग 100 मीटर आगे तक है। क्या ये सड़क में है, सड़क के किनारे? सड़क है? के किनारे 6 फीट की नाली है जी, ग्राम समाज की नाली है ये जो नाली आप बनवाए हैं, क्या वो नक्शे में आता है? जी, नक्शे में है जी।